मॉड्यूल वन एटी टू अंडर द ऑप्टिमाइजेशन दिस टॉपिक परटेंस टू द कार्टल मॉडल और द कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन कार्टल बेसिकली कार्टल क्या है अगर हम देखें तो कार्टल इज़ अ कम्बिनेशन और इट इज़ एन एक्ट ऑफ सर्टन अनरिटन एग्रीमेंट वी कैन से वन सर्टन फर्म्स वो आपस में एक अनदेखा सा माह कर लेती हैं और उसके तहत वो प्रोडक्शन सेटअप में मौजूद होती हैं एंड दिस कार्टल कैन बी इन वेरियस फॉर्म जिसमें सर्टन शेयर भी हो सकता है मीन एक लार्ज फॉर्म एक स्मॉल फॉर्म हो सकती है देयर कैन बी दैट ओनली वन लार्ज एंड मेनी स्मॉल फॉर्म लाइक दिस सो देयर कैन बी द वेरियस फंक्शन लाइक दिस अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल फर्म का जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिफरेंट होगा लेकिन जब हम मार्केट के कॉस्ट की बात करेंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तमाम फॉर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं जिसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि जो तमाम फर्म्स हैं वो जो प्रोडक्ट दे रही हैं वो होमोजेनियस नेचर का है सो अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट या आउटपुट मार्केट में है जिसमें से हम कहें कि थर्टी परसेंट एक फॉर्म दे रही है फिफ्टी परसेंट दूसरी एंड द लाइक दिस तो उनके अपने शॉर्ट रन जो कॉस्ट कर्व्स हैं दे कैन बी डिफरेंट क्योंकि वो उनके अपने प्रोडक्शन फंक्शन और उनकी अपनी मार्जिनल कॉस्ट पे होगी बट व्हेन इट विल बी कमिंग टू द मार्केट तो मार्केट में जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बेसिकली कंबीनेशन होगा उन तमाम फॉर्म्स के शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को और इसीलिए अगर हम देखें कि उसको इस्तेमाल करते हुए हमने अगर उसकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे मार्केट पे जाना होगा तो उसके लिए कौन से मेथड इस्तेमाल होंगे तो हेयर इवन इन दर्टन मॉडल जो हमने प्रीवियसली एक्सप्लेनेशन दी है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हर हाँ फर्म अपने सेपरेट टूल्स को यूटिलाइज करेगी और उसके लिए बिकॉज जो भी फर्म इनपुट्स को इस्तेमाल कर रही है तो उसके लिए फैक्टर डिमेंड कव्स मौजूद हैं मेन वो जो भी इनपुट्स को हायर कर रही होगी आई कैपिटल आई लेबर फॉर द प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग वे सो फॉर दैट प्रोफिट मैक्सीमाइजिंग वे जो इनपुट हायरिंग का मैथड होगा उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इनपुट के डिमांड फंक्शंस क्या हैं और उसी से करते हुए हम उसके डिफरेंट फंक्शंस को देखते हुए अगर वो कैपिटल के लिए है तो कैपिटल के डिमांड फंक्शन हम इस तरीके से बना सकते हैं अगर लेबर है तो लेबर के लिए इसी तरह बना सकते हैं और लाइक वाइज फॉर डिफरेंट और ये डिमांड फंक्शन जो है ये अनकंडीशनल होंगे कि ये इम्प्लीसिटली मे नॉट एक्सप्लिसिटली वो फ्रंट पे शो नहीं हो रहा होगा लेकिन ये फॉर्म को अलाउ करते हैं कि वो अपने आउटपुट में चेंजेस कर ले और वो आउटपुट में चेंजेस कब करेगी जब अगर उसको मार्केट में इनपुट की प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस या चेंज फील हो रही हो सो दिस इज़ आल्सो आ टेक्निक जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट सम टाइम्स एक फर्म को ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ जाती हैं, सम टाइम्स उसको एडजस्टमेंट प्राइसेस या एडजस्टमेंट कॉस्ट आ जाती हैं तो ये तमाम उसकी कॉस्ट का हिस्सा होगी अब फॉर द चेंज इन द इनपुट प्राइसेस, एनी फॉर्म कैन एडजस्ट थ्रू द चेंज इन इट्स आउटपुट एंड दिस विल बी वर्क आउट थ्रू द फैक्टर डिमांड क्योंकि जिस फैक्टर की प्राइस हाई हो रही होगी उसकी डिमांड को फार्म रिड्यूस करती अब इसी में अगर हम इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन करें तो देन वी कैन से जो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ एन इनपुट आ रही हैं वो पॉसिबल है कि प्राइस बढ़ रही हो और ये भी पॉसिबल है कि प्राइस डाउनवर्ड हो रही हो बट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट कि ये जो चेंजेस हैं ये उसकी इनपुट की डिमांड को अफेक्ट करेंगी और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम एक फैक्टर की डिमांड को एक टाइम पे वर्कआउट करेंगे अवेलुएट करेंगे कीपिंग द अदर इनपुट्स कांस्टेंट तो यहाँ पे हमारा पार्शियल इक्ब्रियम एनालिसिस जो है हमें हेल्प आउट करता है एंड फ्रॉम दैट पार्शियल इक्ब्रियम एनालिसिस हम जो प्रीवियस मेथड हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन का लिया के थ्रू लैग्रेंज वी कैन वर्क आउट फॉर ईच इंडिविजुअल फर्म और इनपुट डिमांड फंक्शन को फिर हम ड्राइव थ्रू प्रॉफिट फंक्शंस भी कर सकते हैं और देन फ्रॉम दैट वी कैन हैव द डिफ्रेंसीशन तो लेकिन हम जिस नतीजे पर जब हम पहुँचते हैं कि जो हमारा जो टोटल इफेक्ट है वो सम टाइम क्लियर नहीं रादर अनएम्बिगुअस रहेगा वो इसलिए कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आइदर देयर विल बी वन अजम्पन दिस इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द इनपुट देन जो हमारा अफेक्ट होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा लेकिन सम टाइम्स जो इनपुट्स की प्राइसिज हैं किसी एक इनपुट की प्राइस बढ़ रही हो सकती है और समाइम्स किसी दूसरे इनपुट की प्राइस डाउनवर्ड भी हो रही हो सकती है सो कीपिंग इन व्यू द कलेक्टिव देयर विल बी समथिंग डिफरेंट फॉर द फॉर्म लेकिन जब मार्केट में हम देखेंगे तो चूंकि हर फॉर्म चेंज इन इनपुट प्राइसेस के लिए जो एडजस्टमेंट इन द आउटपुट कर रही होगी वो उसके अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंगली होंगे तो सम टाइम्स जो उसका कार्टल की फॉर्म में हमारे पास एक कंक्लूजन आता है वो इतना वाजिया और क्लियर नहीं आता अदरवाइज द मेथड ऑफ द कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज सिमिलर आइदर इट इज़ अ सिंगल फार्म इन द परफेक्ट कम्पिटिशन और आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द cartel, but for the market, it will have certain different work.